यू हैव रेड द टाइटल, यू हैव सीन द थंबनेल। तो आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। तो खैर, आज मैं आपसे कुछ ऐसे स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने पीसी, अपने विंडोज 10 को बूस्ट अप कर सकते हैं और अपने पीसी से मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने स्टेप 1 की तरफ। तो स्टेप 1 में आपको अपने पीसी का पावर प्लान चेंज करना है। वो चेंज करना बहुत इजी है। जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन और लिखिए पावर प्लान। यहाँ पे जो सब बैटरी से बनी होगी उस पर आपने क्लिक कर देना और इसे ओपन कर लेना। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मेरा ये हाई परफॉर्मेंस वाला, मैंने इसका नाम रखा है माई कस्टम प्लान 1। अगर आपका नहीं शो हो रहा, बाई डिफॉल्ट ये बैलेंस पे होगा, सो अगर आपका नहीं शो हो रहा तो यहाँ क्रिएट अ पावर प्लान पे क्लिक कर दें और यहाँ से हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट करके कोई भी नाम रख दें और नेक्स्ट कर दें। मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरा पहले ही बना हुआ है। ओके, सो फिर आपने सेलेक्ट कर दें, इसे क्लोज कर देना और स्टेप 1 हुआ कंप्लीट। स्टेप 2 में हमें टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करना, उन्हें डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट ये स्टार्ट बटन है उस पर राइट क्लिक करें और क्लिक ऑन रन, फिर लिखें टेम्प एंड एंटर कर दें और यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगे आपने डिलीट कर देनी है। मैंने पहले कर दी थी और याद रखें महीने में सिर्फ एक बार ही करें इसे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, सो दैट विल मेक एन इशू। ओके, स्टेप 2 भी हुआ कम्प्लीट। स्टेप 3 है स्टार्टअप ऐप्स, जो अननेसेसरी स्टार्टअप ऐप्स हैं उन्हें डिसेबल करना। उन्हें डिसेबल करने के लिए यहाँ पर जो सा टास्क बार है इस पर राइट क्लिक करें और टास्क मैनेजर पर क्लिक करें, फिर आप जाएं स्टार्टअप पे। यहाँ पे स्टार्टअप पे जाने के बाद जो सी आपकी अननेसेसरी जो सी ऐप्स हैं उन्हें डिसेबल कर दें। लाइक ये यूटोरेंट है, मैंने डिसेबल कर दिया, इसे ड्रॉप बॉक्स भी डिसेबल करा हुआ है मैंने, और क्या है वंडर शेयर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप नहीं चाहते कि ये स्टार्ट हो स्टार्टअप पे, सो आप उन्हें डिसेबल कर दें। ओके, स्टेप 3 भी हुआ कंप्लीट। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बारी, स्टेप 4 की। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है आपकी ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करना। डीफ्रैगमेंट क्या है, हमारी जो सी ड्राइव्स हैं वो उनमें जो सा डाटा होता है बिखरा होता है। डीफ्रैगमेंट करने से वो डाटा एक जगह आ जाता है और आपका ड्राइव बहुत फास्ट हो जाती है। उसे करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन और लिखें डीफ्रैग और इस पर क्लिक कर दें, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी विंडोज वाली जहाँ पे विंडोज इंस्टॉल है उसे क्लिक कर दें, बाय डिफॉल्ट सी होती है, उसे क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर दें और ये ऑप्टिमाइज होने लग जाएगा। अब मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इसे कल परसों ही किया था, तो इसे ज़्यादा ना करें, कुछ भी हो सकता है, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, सो इसे ज़्यादा ना करें, महीने में एक बार ही करें। सो अगर आप इसे अब आपने पेशेंट रहना है क्योंकि ये आधे से एक घंटा ले सकता है डीफ्रैगमेंट करने में, ठीक है, सो बी पेशेंट। और जब आप ये कर रहे होंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका पीसी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है और पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। ओके, सो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो विंडोज़ रैम कम यूज़ करेगी और जो सी रैम होगी वो आपकी गेम आराम से यूज़ कर पाएगी, ठीक है। सो अगर आपने ये स्टेप्स सही से फॉलो किए होंगे तो आपका पीसी भी ऑब्वियसली फास्टर हो गया होगा। अगर ये स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं से मोटिवेट होता हूँ। और एक लाइक एम रखना चाहता हूँ मैं आज का, 50 लाइक्स का लाइक एम है मेरा यार, प्लीज़ पूरा करवा देना, मोटिवेट होता रहता हूँ मैं ऐसे ही, और सब्सक्राइब भी कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।